हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। और आज हम डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन पेपर 2022 रेगुलर एंड प्राइवेट, यानी कि नई शिक्षा नीति के तहत ये मेजर पेपर है मैथमेटिक्स का। पेपर नंबर फर्स्ट है जिसका नाम है अलजेब्रा वेक्टर एनालिसिस एंड आपका जियोमेट्री यानी बीजगणित, सदिश विश्लेषण एवं ज्यामिति। और बाकी पेपर मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ, प्ले लिस्ट बनाई हुई है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, आप सभी के लिए ये पेपर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 70 मार्क्स का पेपर आता है, 25 मार्क्स चाहिए आप लोगों को पास होने के लिए। चलिए वीडियो आगे और स्टार्ट करते हैं। तो मैं हूँ सोनम जैन और देखते हैं यहाँ पर किस टाइप से जो है क्वेश्चन पेपर पूछा गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारा सेक्शन ए, 5x2 यानी कि 10 मार्क्स। इसके अंदर ऑब्जेक्टिव है। अब ऑब्जेक्टिव सबसे पहले देख लेते हैं हम यहाँ पर। फर्स्ट इकाई अव्यू आई 3 की जाती है 0, 1, 2 या 3, जो भी आपको राइट आंसर है यहाँ पे है वो लगाना है। यानी इस टाइप के क्वेश्चन जो एग्जाम में आने वाले हैं, आपका एग्जाम होगा तो अव्यू के आइगन मान है, ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या मान हो सकते हैं, इसके चार मान दिए गए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड यदि ये आपको इक्वेशन दी हुई है यहाँ पर, इसका मान होगा तो इस समीकरण का मान क्या होगा, आप स्क्रीन पर जो है यहाँ पर स्क्रीन पर समीकरण को देखकर इसके जो आंसर है वो देख सकते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। चलिए फिफ्थ नंबर समीकरण स्क्रीन पर शो हुई है, परवलय को निरूपित करता है, यदि डेल नॉट इक्वल देन जीरो तो क्या होगा। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे आप तो चार ऑप्शन मिलेंगे आपको, ए बी सी एंड डी। अब आ जाता है सेक्शन बी, और सेक्शन बी है आपका 21 मार्क्स का और 4 क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पे सॉल्व करने हैं। ईच क्वेश्चन 7 मार्क्स है। और वीडियो अच्छी लगती है गाइस तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। और कोई क्वेरीज या कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। चलिए देखते हैं इसके क्वेश्चन। आर्यभट्ट की संक्षिप्त जीवन परिचय लिखिए। अव्यय विधि का प्रयोग करके निम्न समीकरण को हल कीजिए। 3 समीकरण दी हुई है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। चौथे नंबर का क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, यदि तो ज्ञात कीजिए। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो को डाउनलोड भी कर सकते हैं ताकि इस टाइप के जो क्वेश्चन है या आप नोट डाउन कर लें तो आप अच्छे से कर पाएंगे। क्योंकि मैथमेटिकली क्वेश्चन है तो इसको पढ़ के बता पाना भी ठीक नहीं है, तो आप इसको डायरेक्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, मूल्यांकन कीजिए। क्वेश्चन नंबर सिक्स, उस लंब वृत्तीय शंख का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष मूल बिंदु अक्ष एक्स बराबर वाई बराबर जेड तथा अर्ध शीर्ष कोण 45 है। अब आ जाता है आपका सेक्शन नंबर सी। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं, 2x16, यानी कि यहाँ पर दो क्वेश्चन है, प्रत्येक प्रश्न 16 अंक का है और 500 शब्दों में अधिकतम आपको उसको लिखना है। और अगर आप सोशल मीडिया पे हमें फॉलो करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। और कोई क्वेरीज है, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और हाँ, जब आपका एग्ज़ाम हो जाए ना गाइस तो प्लीज़ मुझे पेपर सेंड करना ना भूलें। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, जैसे आपकी हेल्प हो पा रही है ऐसे और दूसरे स्टूडेंट की भी हेल्प हो इसके लिए आप मुझे पेपर सेंड करना ना भूलें। हमने हमारा व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है। चलिए आगे इसके क्वेश्चन देखते हैं। निम्न मैट्रिक्स के आइगन मानों को ज्ञात कीजिए तथा संगत आइगन सदिशों को ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, अव्यू ए बराबर का अभिलाक्षणिक समीकरण ज्ञात कीजिए तथा सत्यापित कीजिए कि यह ए द्वारा संतुष्ट होता है और इसका प्रतिलोमन ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। ये इक्वेशन है यहाँ पे, जो क्वेश्चन दिया है उसको देख सकते हैं आप। इस टाइप के क्वेश्चन आपको सॉल्व करके जाना है। क्वेश्चन नंबर 9 फलन से है और अवकलन का अधिकतम मान आपको यहाँ पे समीकरण से ज्ञात करना है। स्टोक प्रमेय का सत्यापन कीजिए जब एक्स वाई समतल के ऊपर का भाग है ना। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11,
शक्वाकार का अनुरेखण कीजिए तथा इसकी नाभियों के निर्देशन और नियतांक का समीकरण ज्ञात कीजिए। और कोई क्वेरीज है, कोई क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति को लेकर कुछ समझ में नहीं आता है, तो आप प्लीज़ मुझे जो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपकी सारी जो प्रॉब्लम्स है वो पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।